आप यकीन माने सिर्फ जोरदार थप्पड़ मारती दिमाग ठीक हो जाता उसका। अच्छा थप्पड़ मारेंगी? जरा थप्पड़ मार के तो दिखाएं मेरे मुंह पे, आए ना कड़ियों मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे जरा। एक तो बेवक्त आने के लिए माजरत चाहते हैं जी हम, मेरे पास टाइम ही ये बचता है सरमत भाई। जी इन्होंने तो दफ्तर से आते ही कहा था कि तैयार हो जाओ, अलिश्पा के ससुराल जाना है। हम बहुत शर्मिंदा हैं आपसे, समझ नहीं आ रहा क्या कहें। अरे आप क्यों शर्मिंदा होते हैं, आपका इसमें क्या कसूर है? हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अलिश्पा आपके बेटे को लेकर अलग हो जाएगी। हमसे पूछे हम किस हाल में, वो हमारा अकलौता बेटा है, इस उम्र में ऐसे सहारे की कितनी जरूरत होती है। हमने तो बहुत समझाया उसे लेकिन नहीं मानी वो, यही है ना? कोई बात नहीं, कर लेने दीजिए अपनी मनमानी। कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमारा अकलौता बेटा घर छोड़ के जा रहा है और आप कह रहे हैं कि वो अपनी मनमानी कर ले। यानी लोग बेटियों की शादियां करते ही क्यों हैं? एक गैर लड़की आती है और शौहर का हाथ पकड़ के ले जाती है। समझ तो मुझे भी नहीं आता। अब एक बात पूछना चाहूंगी मैं आप दोनों से कि आप लोगों ने अपनी बेटी की तरबियत क्यों नहीं की? अरे भाई वो इस घर में रहती है ना, उसे कोई घर का एहसास है और ना घर वालों का। हम बहुत शर्मिंदा हैं आपसे, मैं माफी मांगता हूं उसकी जगह। अरे भाई साहब आपके शर्मिंदा होने से या माफी मांगने से क्या होगा, आप दोनों को उससे बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए। अगर मेरी बेटी होती ना जिसकी जगह इकलौती है, आप यकीन माने सिर्फ जोरदार थप्पड़ मारती दिमाग ठीक हो जाता उसका। अच्छा थप्पड़ मारेंगी? जरा थप्पड़ मार के तो दिखाएं मेरे मुंह पे, आए ना कड़ियों मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे जरा। अलिश्मा ये कौन सा तरीका है बात करने का, माफी मांगो अभी इनसे। मैं क्यों माफी मांगू अब्बू, आप देख नहीं रहे किसने बदतमीजी करी थी मुझसे? इस घर में ना सारा दिन मेरे साथ होता ही ये है। बड़ों से इस तरह बात करते हैं तो बड़ों को भी चाहिए ना कि छोटों के मुंह ना लगा करें। देख लिया आपने कैसी जुबान है आप लोगों की बेटी की, अभी तो आपकी मौजूदगी का लिहाज कर गई। आप सोचे अकेले में क्या कुछ नहीं करती होगी। श्री बहन खुदा की कसम मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ उसकी तरफ से। अरे बस करते भाई साहब, आप तो बस ही कर दें, शर्मिंदा ही होते रहते हैं हर वक्त। सामने को मुझे कहते हैं जी हीरा मानी, सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।